व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले 20 अरब का पाकिस्तान में आटा घोटाला। फिजा खलीफा सब्जियां बेचने निकलेंगी। भैया ये क्या हो रहा है, मतलब घोटाले तो होते हैं, ये आटे पे भी घोटाले करने लग गए लोग। भैया एक अपने यहाँ हुआ था, कौन सा हुआ था, भारत में चारा घोटाला। ये थोड़े घोटाले मुझे ऐसा लगता है ले भैया, क्योंकि भाई चारा में कितना पैसा हो गया था घोटाले में, और इसमें अब देखते हैं इन्होंने क्या कारनामा करा है पाकिस्तान ने। तो चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। महंगाई का जो जिन है उसको काबू करना है, बोतल में बंद करना है हवाई जज्बे से। बेचारी अवाम, उसके लिए हमें सहूलतें लेकर आनी है हवाई जज्बे से। अवाम को परेशानियों से, दुखों से छुटकारा मुमकिन दिलवाना है। कुछ नया बोल। ये जो कश्ती पार लगानी है, हमारा तो यही सवाल है कि ये कश्ती बीच मंझदार फचाई किसने है? हमने 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 भूखे पाकिस्तान में 20 अरब रुपए का आटा घोटाला हो गया है। सब कुछ हमारे अपने ऊपर है। वेरी गुड, शाबाश। आजकल पाकिस्तानी एंकर न्यूज कम सुना रहे हैं, फल सब्जी और राशन ज्यादा बेच रहे हैं। आलू 5 रुपए किलो मिल रहे हैं। आलू मटर भिंडी लहसुन। भिंडी है, तोरी है, लौकी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है। गाजर है, मूली है, हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, पुदीना। इज्जत से क्या काम, बेइज्जती प्रूफ समझ लें, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। जिन्हें कभी भी अपनी जिल्लत महसूस ही नहीं होती, अब ये समझ लें। अच्छा, प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपए, 350 रुपए। पाकिस्तान में यहाँ पे आपको कुछ मंजर दिखाऊंगा। मरियम साहिबा ने कहा कि आवाम को आटा देंगे, उनकी दहलीज पे पहुँचाएंगे। कि आपको पुलिस के साथ जाना है, वरना वो एक ट्रक को रोक के उसको पूरा उस पे अटैक हो जाता है। और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें। और सुने के इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, टूट गया मैं तो अब। या इन्हें यही कहेंगे, सबको कहेंगे फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी ले। खत्म हो गया यार, मैं तो। क्या हो रहा है? अवाम को आटा मिल कैसे रहा? गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर। समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। भाई बहुत महंगा है। आटा लेने आएंगे। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है। ये हुकूमत जो कि खुद ही भिखारी हुकूमत है, और आज भी हम बेगस हैं, खुदा जाने हम चूजर्स कब बनेंगे। इनसे पहले भी ये भीख मांगते रहे, आगे भी चल के भीख ही मांगेंगे। इन्हीं के लोग, इन्हीं का भैया बंटाधार। लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि इन्होंने आवाम को भी इसी काम पे लगा दिया। ये सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी, जेब कतरों में भी ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। इन्होंने आवाम को इसी भीख पे लगा दिया। अल्लाह के नाम पे दे डर बाबा, दे डर बाबा, दे डर बाबा। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। अब जब ये आवाम को भीख दे रहे हैं, तो साथ में और क्या कर रहे हैं? उनकी इज्जत नफ्स तो मजरूह कर ही रहे हैं। पाकिस्तान में आटे के लिए बुजुर्ग बुजुर्ग औरतों से क्या क्या करवाया जाता है, ये बता क्या रही है? और फिर आप सोचिए कि हमें हो क्या गया। ये देखिए सालो, बुजुर्गों को तो छोड़ दो, आटा बांटने वाले वो तेरी माँ जैसी होगी। चार बजे यूँ देखते कहते नहीं जी आपका नहीं आया, चेक करके इतना बोलते, औरतों से बोलने की तमीज नहीं है इन लोगों को। मेरे को दे रहे जो हाथ लगा रहे हैं, जिस्म को उनको दे रहे हैं बस। सुना अपने खातून को, वो कह रही है हमें हाथ लगाते, कहते हाथ लगाने दो फिर आटा दे। उस औरत ने बड़े ढके छुपे अल्फाज में ये बात की। यार आप लोग समझ गए होंगे हाथ लगाने का मतलब क्या होता है। अब आपको एक और खातून की, बूढ़ी औरत की दास्तान सुनाता हूँ, कि जिसको कहा गया, इनको कहा गया कि नवाज शरीफ की तस्वीर वाले आटे के थैले आपको दिए जाएंगे। अब नवाज शरीफ की तस्वीर पर जब एक सहाफ़ी ने तनकीद की, तो मरियम साहिबा की जो रौनक थी, उनके उनके लहजे में जो रौनक थी, वो कैसे छलक के बाहर आई, वो एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें देखिएगा कि जब सहाफ़ी ने कहा कि आप पर एतराज़ हो रहा है कि अपने वाले साहब की तस्वीर आप क्यों लगा रही हैं आटों के थैलों पर, तो उनका जवाब क्या था जरा सुन। आपकी फोटो के हवाले से है, अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियां साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नून लीग।
जवाब सुना आपने मरियम साहिबा का? सबको पता है कि धांधली से आए हैं, फिर भी एटीट्यूड देखो भाई साहब, मैडम का एटीट्यूड एटीट्यूड फिजा जरा बताना। इतने एटीट्यूड से बात कर रही थी कि जैसे इनका पहली बात कि इनका जाति पैसा है। मरियम साहिबा अपनी जेब से अपने पल्ले से ही आटा दे रही है। हुजूर वाला हुकूमत किसकी है? नवाज शरीफ की तो हमें पता है, लेकिन हुजूर पैसा आवाम का है, पैसा हमारा है, पैसा आपका नहीं है। ये आवाम के टैक्स के पैसों से खरीद के आप आवाम के मुंह पे जाम बना के रख दिया है। नवाज शरीफ साहब की फोटो वाले आटे के थैले किस तरह से एक आम पाकिस्तानी की इज्जत को मजरूह कर रहे हैं, ये इस बूढ़ी औरत की जुबानी सुन लीजिए। मेरे को पागल, इतने बच्चे मेरे को, पांच बंदे हैं। जिल्लत की जिंदगी को जीना है या सर उठा के जीना है? जिल्लत की जिंदगी। इस जिल्लत की जिंदगी से, इस जिल्लत के आटे से यकीन कीजिए मौत अच्छी लग रही है। तो मर जाओ यार फिर। ऐसा मुल्क जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, उसकी कहानी, उसकी दास्तान में आपको सुना। तो बांग्लादेश का एक वीडियो क्लिप है नाजरीन, जो की बहुत वायरल हुआ हुआ इस वक्त। देखिये बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया, और वहाँ की आवाम में शऊर है, उनमें थोड़ा सा सहूर था, तभी तो वो तुमसे अलग हो गए थे। अगर इसी जगह पर पाकिस्तान की आवाम होती तो दो दो थैले उठाकर लेकर जाती और एक दूसरे को नीचे धकेल देती। अगर यहाँ पाकिस्तान अगर होता ना, तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, चार मुश्तंडे लेके आता अपने साथ और वो सारे का सारा रेशन साथ ले जाता। रोजा इसी से रखे, इसी से अफ्तार करें, जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने महलों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया। लहसुन की क्या कीमत चल रही है? कीमत 700 रुपये किलो। लहसुन 700 रुपया किलो। टमाटर कितने कीमत है? 200 रुपये किलो। 200 रुपया किलो है। अगर हम बात करें ये जो सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, इनकी क्या कीमत चल रही है? ये जो टिंडी है, चपनी, ये 120 रुपये किलो है। बैंगन 120 रुपये किलो है। चिकनार 400 रुपये किलो है। अरबी 200-400 रुपये किलो है। ठीक है, करेले 400 रुपये किलो है। हर सब्जी 200 से ऊपर ही है। हाँ जी, 200 से ऊपर ही है। सबसे नीचे आलू ही है, वो भी बस कोई पता नहीं कल परसों फिर कल तक आलू की कीमत भी बढ़ जाए। पाकिस्तान चाहे गरीबी, भुखमरी, तंगहाली, बदहाली, नंगापनी, इन चीजों से इतने मजबूर हो जाते हैं कि अपने बच्चों का गला घोट देते हैं और खुद आत्महत्या करने को मजबूर हैं। लेकिन आखिरी सांस तक भी ये मगरमच्छ वाले आंसू किसके लिए बहाएंगे? कश्मीर गजा। बस यहीं पे एक लम्हा रुक जाइएगा, यहाँ से मैं आपको आगे लेके चलूंगा। गजा के छोटे छोटे बच्चों का खुराक के लिए तरसना कैसा है? ऐसे ही किसी ने इनको जाहिल का नाम नहीं दे दिया। खोखला है। इसकी झलक देख लीजिए। हाँ जी, पेट का दोजख बुझाना हो ना, जब भूख लगी हो, तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि वो टट्टी खा रहा है या भीख में मिला हलवा। ये छोटे छोटे बच्चे किस तरह से जमीन से उठा के खा रहे हैं, ये मंजर आपने देख लिया। तो ये था आज का वीडियो, और जो इनसे अलग हुआ बांग्लादेश, वो भी इनसे आगे है, तो इनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तानियों में थोड़ी तो सभी आगे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने एक होता है तरक्की का रास्ता पकड़ना, इन्होंने कहा है ओहो ये रास्ता तरक्की पे जा रहा है, गलती से भी यू टर्न मार लेते हैं। इनसे कोई कह देता है धरती गोल, आदमी गलता है, हमें क्या पढ़ाया गया, चपटी है, वापस मुड़ो। हाँ। चपटी, इन पता लगा आगे गोल हो, गोल पे नहीं, ये इस गोले पे, ये गोलमाल है इनका देश। इनको ना एजुकेशन पे फोकस्ड है, ना पॉलिसीज पे, जहां इनको दो पैसे बचते हैं ना, वहां पर भी इनमें एटीट्यूड है। इंडिया से जो इनके लिए ट्रेड होके सामान जाता था, सब्जियां सब सस्ती पड़ती थी, इतना एटीट्यूड खरीदते दुबई से है इंडिया की सब्जी। वो जो जज्बा है ना तुम्हारा भाई, एक जब एक इंसान को लास्ट में भूख लगती है ना, वो रोटी देखता है, पानी पीते टाइम ये नहीं पूछता कि कौन सी देश का पानी पिला रहा है, जब बिल्कुल प्यासा होता है। इनको मुझे लग रहा है अभी भी 2-4 रोटियां ज्यादा मिल जाती है, तभी इनके अंदर वो रहता है ये कश्मीर ये वो। मुझे लगता है इनकी सरकार इनका इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है कि ये अभी भी समझ नहीं पा रहे और समझना भी नहीं चाहते आटे के पीछे। भैया मतलब क्या क्या हालत हो रही है उनकी, ये समझ नहीं आ रहा उनको। टमाटर 200 रुपए किलो पहुंच चुका है वहां पर, इंडिया में टमाटर 20 से 30 रुपए किलो रहता है अभी के हिसाब से। बीच में महंगाई इसलिए होती क्योंकि उसकी शॉर्टेज थी, 20-30 रुपए भाई। उनकी करेंसी के हिसाब से भी 90 रुपए तक होता तो भी ठीक था, 200 रुपए किलो भाई साहब। ये मुझे ये आईफोन इंपोर्ट होते हैं ना बाहर से, उसी के साथ ही तो नहीं आ रहे पैकिंग में। गजब चल रहा है इनका देश भैया। मेरे को तो कई बार ऐसा लगता है कि
इनके में एक क्रिकेट था जो पॉजिटिव था, अब तो क्रिकेट में भी आपस में वो एक दूसरे के ऊपर पीछे जब से बता देना आर्मी घुस गई है, गजब चल रहा है देश। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।